हेलो फ्रेंड्स, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। चाइन दाबेली बनाने के लिए हमें चाहिए 3 केला, कच्चे केला लिए हैं 3, नींबू, मीठी चटनी, ताज़ा नारियल, चीनी, ऑयल, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और गार्निशिंग के लिए टूटी फूटी और धनिया पत्ते। अभी हम कुकर में 1 गिलास जितना पानी डालेंगे और इसमें हम चाली रखेंगे। और हमने जो केला लिया है उसको हम ऐसे साइड में से, दोनों साइड से कट करके इसमें रख देंगे और 5 मिनट तक इसे सीटी बंद करके पकाएंगे। इसे कुकर को बंद करेंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। अभी हम एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अभी हम मसाले को मिक्स करेंगे। तो एक बाउल में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला और नमक। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अभी हमने जो मसाला मिक्स किया है वो डालेंगे और थोड़ा सा इसे भुनेंगे। और हमने जो फ्रेश नारियल लिया है वो डालेंगे और इसे भी भुनेंगे। ज़्यादा हमें नहीं भुनना, 2-2 मिनट ही भुनना है। और हमने ये 1/2 नींबू का रस लिया है और हमने जो मीठी चटनी ली है वो डालेंगे। और 1 चम्मच जितना पानी और 2 चम्मच हमने चीनी ली है वो डालेंगे और सारे मसालों को मिक्स कर देंगे। अभी हमने जो केला लिया था उसको हमने थोड़ा सा बारीक कर लिया है और थोड़े को पीस में रखा है वो डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अभी रेडी है हमारी जैन दाबेली की सब्जी। अब हम दाबेली बनाएंगे। अभी हम एक पाव लेंगे और ऐसे बीच में से इसे कट करेंगे और इसमें हम मीठी चटनी डालेंगे
इसे पूरा फैला देंगे और लाल चटनी डालेंगे। अब हम इसमें सब्जी भरेंगे। ये हमने सब्जी भर ली है, अब हम इसमें मसाला सिंग डालेंगे। और थोड़ा सा नारियल, टूटी फूटी और धनिया पत्ते। और ऊपर से थोड़ी सी मीठी चटनी। रेडी है हमारी जैन दाबेली। रेडी है जैन दाबेली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।